हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करुणास किचन। और हमारे चैनल में हम जो वीडियो देखते हैं, अलग अलग रेसिपीज़ के वीडियो हम देखते हैं, पर आज के वीडियो में हम बैक टू बेसिक जाने वाले हैं। तो रोटी बनाने के लिए आटा किस तरह से लगाया जाता है ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए सीखते हैं कि रोटी बनाने के लिए आटा किस तरह से लगाया जाता है। तो रोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। साथ में मैं इसमें डाल दूंगी चुटकी भर नमक। नमक से रोटी का स्वाद अच्छा आता है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे लगभग 1/4 पानी डाल के गूंथ लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं डो बनाना शुरू कर चुकी हूँ। आपको पानी का जो प्रमाण है वो आहिस्ता आहिस्ता से डालना है। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे से इसमें पानी को ऐड कर रही हूँ और इसका हम अच्छा सा एक डो बना लेंगे। डो बनाते समय आपको याद रखना है, इसे बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनाना है या बहुत ज़्यादा ढीला नहीं बनाना है, नहीं तो आपकी जो रोटियाँ हैं वो नरम और फुली फुली नहीं बनेंगी। तो आपको यहाँ पे सेमी टाइप का जो डो है वो बनाना है, जिसे आप अपने हाथों से दबा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डो मेरा बनाना शुरू हो गया। यहाँ पे देखिए ये डो बन के तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, 1/2 टीस्पून जितना मैंने ऑयल लिया है, और इससे मैं आटे को मसल लूँगी। इसे थोड़ा सा मसलना ज़रूरी है क्योंकि इसमें ग्लूटेन डेवलप होता है और जिससे हमारी रोटी जो है वो नरम होती है। तो आटा हमारा रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी है। आप देख सकते हैं डो हमें बिल्कुल इस तरह का चाहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, मैंने दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।